For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. Hi, दोस्तों, मैं हूँ अली कुली मिर्ज़ा. ये एक दो दिन से जो सोनू निगम के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ. और ये बहुत नंदनीय है कि इतने बड़े सुपरस्टार सिंगर जिन्होंने 10 से 15 साल बॉलीवुड में राज किया, उनके मुंह से ऐसा सुनने को मिले कि ये गुंडागर्दी है, ये अजान की आवाज़ से मैं उठ जाता हूँ और ऐसा है और मानते नहीं है. अब मैं ये कहना चाहता हूँ, सोनू निगम जी जो हैं वो गाज़ियाबाद और यूपी से आए हैं, उनके एंसेस्टर्स वो सब वहाँ पर रहे हैं. वहाँ पर एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, सुबह आरती होती है, अजान होती है, उस वक्त उनकी नींद क्यों नहीं खुली है. ये अगर पब्लिसिटी स्टंट अगर उनको इस दौर, इस कैरियर के दौर में अगर ये ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोस की बात है. इतने बड़े स्टार होकर क्या वो जाके मिडल ईस्ट में शो नहीं करते? क्या वो दुबई में शो नहीं करते? क्या वो अबू धाबी में शो नहीं करते? क्या वो मस्कत में शो नहीं करते? उस वक्त उनकी जब वहाँ पर अजान होती है तो उनको प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम आज नहीं आई है. तो मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में हूँ कि ये सब चीज़ें एक पब्लिसिटी स्टंट बनाई जाती है, एक धार्मिक एंगल लगाया जाता है. तो आई यूज़ टू बी इस बिग फैन, उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, गाने सुनता था और रिस्पेक्ट करता था. लेकिन अब आज वो सारी रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में चली गई है, बिकॉज उनसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं, उन्होंने मुस्लिम गाने गाए, हिंदू गाने गाए, सारे गाए. हम कलाकार हैं, कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा प्ले करना पड़ता है हमें. आज मैं माता की चौकी में भी गाता हूँ, मैं नात भी पढ़ता हूँ, मैं परफॉर्मेंस भी करता हूँ बींग ए कलाकार. और वो भी वो करते हैं, उन्होंने भी किया है. अगर ये सब करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए इस एंगल में ये करना है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया. तो बस ये कहना चाहूँगा, सोनू निगम ग्रो अप, प्लीज़ ऐसी स्टंट ना करें. सर, वैसे तो विवाद किसी भी सेलिब्रिटी का जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन विवाद होना और विवाद क्रिएट करना कितना डिफरेंस है? आप हाल में देखिए, सोनू निगम ने बयान दिया है कि अजान से उनको तकलीफ होती है, और वो भी इतने जिम्मेदार नागरिक हैं वो, और इतना मशहूर, इतने मशहूर सिंगर है. मतलब क्या ज़रूरत थी उनको इस तरह के बयान देने की? आपको लगता है कि कुछ हद तक ये गलत है या क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, सोनू निगम जो हैं वो एक महान गायक हैं और हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके फैन हैं, और बहुत ही निजी जीवन में बहुत ही सज्जन पुरुष है. बड़ी उस बंदे में तमीज़ तहजीब है, बड़ा अच्छा उसका अखलाक है. मेरी समझ में यह नहीं आता कि उस जैसा बंदा, उस जैसा कलाकार, उस जैसा इंसान ऐसी बात कैसे कर सकता है. अब उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, चोंचलेबाजी या गुंडागर्दी, नमाज पढ़ना या अजान देना जो है वो चौंचलेबाजी नहीं है, वो गुंडागर्दी नहीं है, ना पूजा करना गुंडागर्दी है, ना गुरबानी. तो एक ऐसी बात जब आप करते हो, इस बात को करने के दूसरे तरीके भी हो सकते थे, लेकिन आपके ये शब्द लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं. बात करने का तरीका होता है. मैं कहूं कि ये मेरे बाप की बीवी है, बाप की बीवी कौन होती है? माँ है. और मैं ये कहूं कि ये मेरी माता है, मेरी मातोश्री है, मेरी वालिदा है. बात कौन सी सही है? माँ है ना. बात वो भी सही है, लेकिन कहने का तरीका बहुत 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 गलत है. और देखिए, जो धार्मिक आस्थाएं होती हैं उनके बारे में अगर ऐसी बात की जाए तो दिल को बड़ी ठेस लगती है. उन्होंने एक बात और कही कि जब हजरत पैगंबर मोहम्मद ने नमाज शुरू करवाई तब लाउड स्पीकर नहीं था. मैं ये कहूँगा कि जब हिंदुइज्म आया, जब इस्लाम आया, जब सिखइज्म आया, जब बुद्ध और जैन धर्म आए, तब भी लाउड स्पीकर नहीं थे. आज मंदिरों में लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल होता है, गिरजाघरों में होता है, मस्जिद में होता है, गुरुद्वारों में होता है. तो क्या ये चौंचलेबाजी और गुंडागर्दी है? ये गलत बात है. और वक्त के साथ साथ जब आधुनिक वस्तुएं आती हैं तो उनका इस्तेमाल होता है. हजरत मोहम्मद के ज़माने में लोग ऊँट पर हज पढ़ने जाते थे, आज प्लेन में जाते हैं, आज गाड़ियों में जाते हैं.
तो क्या ये कहा जाए कि वो उस ज़माने में लोग ऊँट के ज़रिए जाते थे तो आप अब भी ऊँटों का इस्तेमाल करें? तो ये दोनों बातें जो हैं उनकी, ये सुनने में अच्छी नहीं लग रही हैं। देखिए, जागरण होता है, हम कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। सुबह सुबह मंदिरों में घंटियां बजती हैं, हमारे तो कानों में बहुत अच्छी लगती हैं। रात भर गुरबानी चलती है गोल्डन टेंपल में, बहुत अच्छा लगता है सुनना किसी भी। और एक इंटरव्यू में अभी प्रियंका चोपड़ा ने कहा था, वो वहाँ गई थी अपने भोपाल शूटिंग कर रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि सुबह सुबह जब अजान की आवाज़ आती है तो उन्हें बहुत भरी लगती है। तो अब इसके पीछे क्या वजह है जो उन्होंने ऐसी बात कही है या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस मुल्क के जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वो आहत हुए हैं, उनके दिल को ठेस पहुंची है, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के जो और भी मुसलमान हैं, कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। 70 साल हो गए आज़ादी को, कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि साहब ये मंदिर की घंटियां क्यों बजती हैं, या शंख क्यों बजता है, या जागरण क्यों होता है, या माता की चौकी क्यों होती है, या देखिए गणपति बप्पा आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, हम दुर्गा पूजा में भी जाते हैं वहाँ भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। तो जब गणपति बापा वजूद में आए तब तो लाउड स्पीकर नहीं था, ना ही दुर्गा देवी के ज़माने में, माँ दुर्गा के ज़माने में लाउड स्पीकर था। तो ऐसी बचकानी बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी। आप कलाकार हैं, कलाकार तो दिल से बहुत ही नर्म होता है, नर्म दिल का होता है, फकीर होता है, और हर कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग उससे प्यार करते हैं, उसका मज़हब नहीं देखते, उसका फ़न देखते हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ की आबादी है, जहां आज भी आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान सबसे लोकप्रिय हीरो हैं तीनों खान। जनता के दिल में तो ये बात होती नहीं, वो आपका काम देखती है। तो मैं सोनू से यही कहूंगा कि सोनू, आप एक कलाकार हो, हर मज़हब का इंसान जो है आपकी कला से प्रेम करता है। और मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो कमरा है, मैं जब एयर कंडीशन ऑन करता हूँ, खिड़कियाँ बंद करता हूँ, तो बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है। तो ऐसा भी होता है कि देखिए, कई बार कुछ पड़ोसियों की बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आप उन बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उन बातों से आप गुरेज करते हैं। यही तो हमारे मुल्क की तहजीब है, गंगो जमनी तहजीब है, कि हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं। कभी किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि साहब मैं मंदिर की घंटियों से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, या हम इस शहर में पैदा हुए हैं, आज तक कभी हमने ये नहीं सुना कि साहब मस्जिद की आवाज़ से, अजान की आवाज़ से हम आहत हो रहे हैं। तो ये तो हम सबका मुल्क है, और हर धर्म, हर मज़हब, हर जाति, हर रंग के लोग यहाँ रहते हैं। अब ये बात अगर कोई सड़क छाप बंदा करता तो बात समझ में आती है। सोनू निगम जैसा कलाकार अगर ऐसी बात कर रहा है तो वाकई ये बात जो है ये बहुत तकलीफ देह है। आखिर में इतना कहूंगा कि भाई, आप शारजा में शो करने जाते हैं, आप दुबई में शो करने जाते हैं, आप कतर में शो करने जाते हैं, आप मस्कत में शो करने जाते हैं, वहाँ मस्जिदों में जब अजान की आवाज़ आती है तब तो आपको बुरी नहीं लगती होगी, आप वहाँ की आवाज़ आपको बुरी नहीं लगती, वहाँ बिजनेस के लिए जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, और यहाँ की जो मस्जिद की अजान की आवाज़ है
उससे आपको तकलीफ होती है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, उन्हें ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये भी कहना चाहूँगा कि अब जो उन्होंने जबान से जो बात निकल गया वो वापस नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि माफ़ी मांगना ज़रूरी है उनके लिए? नहीं, देखिए माफ़ी मांगना जो है, मेरी बात सुनिए, माफ़ी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ये बात गलत कही है, खुद उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, इंसान है गलती हो जाती है, अगर उन्हें ये बात दिल से महसूस होती है कि उन्होंने ये बात गलत कही है तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। किसी जोर में या किसी दबाव में अगर कोई जोर डाल रहा है या दबाव डाल रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने सही कहा है तो फिर ऐसी माफ़ी का कोई मतलब नहीं। लेकिन सोनू निगम से पहले भी कई बड़े कलाकार ने भी गैर जिम्मेदार बयान दिया, उनके बारे में क्या कहेंगे कि ये पहली बार नहीं है? कुछ दिन पहले सलमान ने कहा था सुल्तान के प्रमोशन को लेकर, लोग ये कहते हैं कि जो भी बयान होता है, क्या भी क्या दिया था उन्होंने बयान, कि मुझे मतलब इस फिल्म का जो रिहर्सल हो रहा है या जो भी शूटिंग हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ रेप हो, जैसे और के साथ रेप होता है वैसा रेप हुआ है, तो इस तरह का बयान सलमान जैसे कलाकार ने दिया है तो फिर सोनू निगम भी तो अब वो बात जो उन्होंने कही थी वो भी बात जो थी वो गैर ज़रूरी थी, हम उस बात की हिमायत नहीं करते। जो बात गैर ज़रूरी है, जो बात गलत है, वो बात गलत है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर सलमान खान ने एक ऐसी बात कही है तो आप भी कहें वैसी बात। अंग्रेजी में कहते हैं कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट, लेकिन ये बात जो है वो बात जो है महिलाओं से ताल्लुक रखती थी, लेकिन ये बात जो है इसका ताल्लुक जो है 20 करोड़ मुसलमानों की आस्था से है, उनकी अकीदत से। हम होली खेलते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के हर त्यौहार में हम शिरकत करते हैं, हमारे हिंदू भाई फरमाइश करते हैं कि हम सिवैयां खाने के लिए आ रहे हैं, हमसे गले मिलने आते हैं, ये तो हमारे देश का किरदार है। अगर कलाकार ही ऐसी बात करने लगेंगे तो फिर ये देश कहाँ जा रहा है? जहर उगलने वालों की कमी थोड़ी है, हमारा काम तो उन जख्मों पे मरहम रखना होता है, थके हुए दिलों को सुकून बख्शना होता है कलाकार। अगर हम भी वही उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो देश कहाँ जाएगा?